नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कवित्त श्री देव द्वारा रचित काव्य खंड। तो आज हम लोग कवित्त का तीसरा भाग पढ़ेंगे। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। फटिक शिलान सो सुधारो सुधा मंदिर, उदर दधिको सो अधिकाई उमंग अमंद। बाहर ते भीतर लो भीत न दिखावे देव, दूध लायो आने फैलायो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुण तामे ठाढ़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योत मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजार लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इस तरीके से ये कुछ कवित्व लिखा हुआ है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसमें कवल महोदय ने कहा है कि जो चांदनी रात की जो वर्णन किया है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें कवल महोदय ने कहा कि रात के समय में आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ है और उसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे कि पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये जो शिलाएं हैं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इन खंभे से एक चांदी का महल बना हुआ हो, और आकाश में चांद की रोशनी इस तरीके से फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेज से उफान पर हो। लिखा है बाहर से भीतर ले भीत न दिखावे देव, दूध को सफेन फैलो आंगन फरस पर। कह रहे दूध के से फेन जैसा होता है, दूध का जो फेन होता है उबालाने पर आता है वो पूरे आंगन में फैल गया है। आगे लिख रहे हैं तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झील मिल होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मर करंद। केवल महोदय इसमें कहते हैं यह चांदी का सा महल पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हूं। आगे लिखा है कि आरसी से अंबर में आभसी उजारी लागे, राधिक प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अगर कह रहे हैं कवर महोदय कि चारों तरफ फैली ऐसी रोशनी में इस मोतियों की चमक भी मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानोरस में मिला लिया गया है। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रति जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। तो इस तरीके से ये इसका भावार्थ था और आप लोग को शायद ये पसंद आएगा, तो लाइक शेयर करते चलिएगा। मिले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इसकी जो शायद अगर आप लोग इसको कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं करा दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि शब्द संपदा ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और आगे अगर है कुछ आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, परीक्षा का क्या है। तो यहां तक ये है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये देखिए कवित्त की परिभाषा है यहाँ पे। कवित्त वार्णिक है, वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के सोलहवें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। सामान्य चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये सब अभी जानने की बहुत जरूरत नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो ग्रामर आपको तो सारी चीजें बताएंगे। इसमें एक सूत्र होता है या मता राजभान सलगा करके, उसी से सारे शब्द नौ के नौ शब्द बन जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाएंगे, तब तक के लिए चैनल को जय हिंद।